इसमें दराड़ डालना चाहते हैं, हम दराड़ नहीं डालने देंगे और ये भाईचारा कायम रहेगा। और ये भाईचारा जो है 70 साल से चल रहा है। बाकी रहा सवाल जो जो दोनों पार्टी में लिफ्ट चल रही है, वो लिफ्ट नहीं चलनी चाहिए। आपस में भाईचारे को कायम रखना है और भाईचारे में कोई दराड़ नहीं डालनी है। 1947 से लेके 70 साल से हम भाई भाई बन के रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही पड़ोसी हैं हमारे। और उन पड़ोसियों को अगर हमको दुख देंगे, हमारे लानत है। तो बात यह है साहब जी के जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख का साथ का, वो कायम रहना चाहिए। इसी पर मैं इत्तफाक करता हूँ। मैं एक्सपेंट हबीबुल्ला खान। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इन्नल्लाह महासाबिरीन, कि मैं सब्र वालों के साथ में हूँ। मैं सब अपने यहाँ मेंढर निवासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे 47 से लेके आज तक हमारा भाईचारा हिंदू मुसलमान सिख जितने भी यहाँ लोग तहसील मेंढर अंदर के अंदर रह रहे हैं, जैसा भाईचारा हमारा पहला था, वैसे ही हम सारे अपने भाइयों को ये इल्तिजा करते हैं, बहुत बाना गुजारिश करते हैं कि किसी के बहकावे में मत आकर किसी किस्म का कोई इस्ताली बयान बाजी, जिसमें हमारे अमन में, हमारे भाईचारे में जो हम सुकून से रह रहे हैं, इसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि किसी किस्म का बाकी कोई भी जो सिस्टम है ना, एक तरफ से कोई अश्तार अंदेज बयान आना चाहिए ना दूसरी तरफ से आना चाहिए। इसमें हमको सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जो हक जिसका भी है वो मिल के रहेगा, और जिनका दफा जिनका चीज़ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिनको जो चीज़ मिली है वो इंशाल्लाह ताला वो बरकरार रहनी चाहिए। उनको भी जो दूसरों का हक है उनको भी सरकार हक देगी, वो उनको देखना है, ना कि हमने एक दूसरे को किसी का मुंह नोच कर या कुछ चीज़ लेनी है, किसी से खोज कर नहीं लेनी है। तो मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ भाईचारा रखना है, मोहब्बत और अखलाक रखना है। अगर किसी छोटे से किसी जगह जज्बात में कोई बात हो गई तो उसको दरगुजर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दरगुजर करना चाहिए। मैंने यहाँ तक भी सुना जो बात हुई और फिर दूसरे बयान में उसका जवाब भी हो गया और बंदे ने कुछ एहसास कर लिया कि हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं उसको मुबारक दूंगा कि वो अपने बात अपने अल्फाज उसने वापस ले लिए। तो मैंने बयान सुना है। मैं इसलिए आवाम से कहूँगा कि ये जो मसला बना है गुजर बकरवाल पहाड़ी दूसरा तीसरा, यह सिर्फ दुनिया के मफाद के लिए है। जहाँ से मफाद मिलता है जिसको मिलता है उसको लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए। उसमें दूसरे किसी को एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिस्से में जो रोटी आएगी वो मुझे खानी चाहिए, दूसरे की रोटी मुझे नहीं खानी चाहिए। मुकद्दर का सबको मिलेगा। मैं ये बातचीत एक इमाम गुजारिश करूँगा, हमें इस उज्र से हट कर हमें एक इंसानी सबक पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मजहबी और समाजी नुमाइंदगान का मुश्तरका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि यूटी जम्मू कश्मीर और बिलखसूस खिताए पीर पंजाल में गुजर बकरवाल और पहाड़ी बरादरी के दरमियान एक तबका अपने हकूक़ की मुदाफ़त के उनवान से और एक तबका अपने हकूक़ के हसूल के उनवान से छोटे बड़े अवामी इज्तमाआत से ख़िताब कर रहे हैं और इसमें खूब सरगर्म अमल हैं। हमारा ये कहना है हर दो तबका के नुमाइंदगान से भी और अवामुन्नास से भी कि हर एक को अपने हकूक़ के दिफा का हक भी हासिल है और हर एक को अपने हकूक़ के हासिल करने का हक भी हासिल है, लेकिन किसी को भी दूसरे के इज़्ज़त नफ्स को पामाल करने का हक नहीं, इंसानी अकदार को रोंदने का हक किसी को हासिल नहीं और दूसरे अपने अखलाकी कदरों को पामाल करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। लिहाजा हर दो तबके के नुमाइंदगान से हमारी दरख्वास्त पहली तो ये है कि इस किस्म के मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए और मंजिल पाने के लिए शोला नवाई से ज़्यादा साइंटिफिक अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार करना चाहिए और मुदब्बिराना और मुफक्किराना गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू के जिस की वजह से समाज में नफ़रत फैले
और हम नफ़रतें ख़रीदें और अपनी महब्बतों को ज़ाया कर दें, ये बड़ा नुकसान का सौदा होगा। लिहाजा हम हर दो तबके को ये कहते हैं कि सदियों से आपके आबा व अजदाद यहीं एक दूसरे के साथ रहे हैं, आज भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी गमियां और खुशियां निभा रहे हैं, आइंदा भी हालात वाकात ये बता रहे हैं कि कुदरत ने हमारा एक साथ रहना, हिंदू मुस्लिम सिख गुजर पहाड़ी मुख्तलिफ रंग नस्ल ज़ुबान वालों का मुकद्दर किया हुआ है, हमें एक साथ रहना चाहिए रहना है, लिहाजा इसका लिहाज करें और इश्तियाल अंगेजी से कतन जो है वो ग्रेज करें। मैं इस मौके पर ज़रूर ये कहूँगा, चूँकि मैं सीरत नबी का तालिबे इल्म हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के बहुत बड़े जो हैं वो एक लीडर थे जिन्होंने इंसानों को ज़िंदगी में जीने का सलीका सिखाया है। आपने फरमाया इन्नल फितना ता नाइमतुन लअनल्लाहु मन अयकज़हा, कि फितना सोया हुआ होता है, जो शख्स फितने को जगाता है वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। लिहाजा अपने मकासद के हसूल के लिए, मंजिल को पाने के लिए रोज़ी रोटी इज़्ज़त लिबास बाइज़्ज़त ज़िंदगी हर मुल्क के शहरी का हक है, लेकिन उन हकूक़ के दिफा या हसूल के लिए संजीदा तरीका जो है वो इख्तियार करें और फितरत सलीमा का सबूत दें। गाली गलौज देना, दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाना, आपे से बाहर हो जाना, अक़ल को जो है वो छोड़ देना, ये इस इन जो है वो तरीका हाय कार से मकासद के हसूल में रुकावटें पैदा होती हैं। आपसी भाईचारा और पड़ोसी के हकूक़ और अमन व अमान को हर सूरत पर जो है हमने कायम रखना है, एक आध इंसीडेंट के या हादसे को मुस्तस्ना करने के बजाय बगैर। यहाँ बहुत सारे मुश्किल वक्त आए, समाजी मजहबी नुमाइंदगान ने उन मौके पर भरपूर जो है अवाम को कंट्रोल किया है। हम आज भी अवाम से उम्मीद भी रखते हैं, अपील भी करते हैं कि आप अपने भाईचारे को, आप रवादारी को, आप पड़ोसी के हकूक को, आप इंसानी अखलाक को किसी भी जो है कीमत पर वो ख़त्म ना होने दें। अमन और भाईचारा ये सबसे बड़ी हमारी दौलत है, इसको बाहर सूरत जो है वो बाकी रखा जाए। हज़रत मौलाना सुल्तान साहब और हमारे दूसरे समाजी मजहबी अफराद इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे अपनी गुफ्तगू को।